अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज है 15 रोजे और आज है मेरा रमजान का फर्स्ट ब्लॉग। एज ऑलवेज आई ऑलवेज लेट टू द पार्टी, तो इस दफ़ा मैंने ब्लॉग बनाए थे बट अनफॉर्चुनेटली समथिंग हैपन और मेरे सारे ब्लॉग्स डिलीट हो गए। तो बस आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और क्यों डिलीट हुए, क्या हुआ, आई विल टेल यू इन दिस ब्लॉग लेटर। तो बस आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज हमारे घर में अफ्तार की दावत, तो मैं जा रही हूँ किचन में, बहुत सारे काम हैं। तो चलें अफ्तार की प्रिपरेशन करते हैं और आपको दिखाते हैं। इफ्तार में बन रही बिरयानी, तो यहाँ पे बिरयानी के टमाटर कटिंग हो रहे थे क्योंकि आज बहुत ज़्यादा मेहमान थे, तो इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ेगा इस व्लॉग के अंदर। फिर यहाँ पे चिकन और चावल भिगोए हुए थे, दही बड़ों की बढ़िया बूंदियाँ फ्राई हो गई थी। यहाँ पे बगास ने इसको पकड़ के रखा था, खिजर को बहुत भागम थोड़ी कर रहा था, इन्होंने उसको पकड़ लिया, फिर वो रोए जा रहा था। और यहाँ पे प्याज फ्राई हो रही थी बिरयानी की, पानी रख दिया था बिरयानी के चावलों के लिए। और यहाँ पे भाभी बूंदियाँ फ्राई कर रही थी, दही बड़ों के लिए मीठे दही बड़े बनाए थे और मज़े के बने थे। उसके बाद फिर बकास को बुलाया हमने चावल निथारने के लिए, क्योंकि चावल का पतीला बहुत बड़ा था, हमसे तो नहीं उठता। फिर बकास से हमने चावल निथरवाए और मैंने बनाया शरबत, शरबत की चीनी खोली, रू अफ़ज़ा एज यूजल, सारे पूरे पाकिस्तान को रू अफ़ज़ा लाजमी चाहिए होता है। फिर यहाँ पे बिरयानी में दम लग रहा था, तय लग रही थी। आज बेसिकली मैंने कोई ज़्यादा काम नहीं किया है, सब लोग कुछ ना कुछ कर रहे थे और मैं सबको रिकॉर्ड कर रही थी। फिर यहाँ पे हम लोगों ने चाट बनाई, चाट मैंने, भाभी ने, दोनों ने और हम लोगों ने मिलके बना ली थी। चाट रेडी हो गई। कराची में इतनी शदीद गर्मी हो गई है कि बर्दाश्त नहीं हो रही है और अभी सारे काम हो गए हैं, मैं किचन में ही बैठ गई हूँ और मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि किस चीज़ का इंतज़ार कर रही हूँ। हाँ, मैं मुझे अभी प्याज के पकौड़े बनाने, वैसे मैंने सोचा था आज प्याज के पकौड़े नहीं बनेंगे, मगर वो हमारा एक कज़न है उसको प्याज के पकौड़े खाने, तो अब मैं प्याज के पकौड़े बनाती हूँ फटाफट से और फिर रोजे का टाइम हो जाएगा जब तक, तो चले प्याज के पकौड़े बनाते हैं। हाँ जी फ्रेंड्स, तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है भाई कराची में, भी दो दिन हुए हैं या तीन दिन हुए हैं गर्मियाँ सही से आए हुए और बहुत शदीद गर्मी हो रही है। अब मैं आ गई हूँ, फ्रूट चाट बन गई, दही बड़े बन गए, बिरयानी रेडी हो गई है। बिरयानी मैंने नहीं बनाई ना मैंने दही बड़े बनाए, सिर्फ मैंने फ्रूट चाट कटिंग करवाई है। अब हो गया असर का टाइम, तो हम पढ़ेंगे असर की नमाज़ और नमाज़ पढ़ने के बाद फिर बाकी का काम करेंगे। हाँ, मैं रू अफ़ज़े की चीनी घोल कर आ गई हूँ, बाकी रू अफ़ज़ा बन जाएगा और नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद वापस किचन में चलते हैं। ओए माशाल्लाह, शरबत भी रेडी हो गया है हमारा, पता जल्दी पी लो, बस की गर्मी हो रही है ना। मैंने खा लिया, मैं रोज से खोल लिया शरबत, थैंक यू सो मच, आप मेरे लिए लेकर आए। यही मोहब्बत हमेशा रहे। अफ्तार खुल गई थी, फिर वगैरह सब कुछ चेक कर रहे थे, सबके पास सब कुछ अवेलेबल है, आसान हो गई है, सबने रोजा खोल लिया था, जल्दी से पढ़ते हैं नमाज। ओके फ्रेंड्स, तो सारे मेहमान चले गए हैं और अब मैंने चेंज कर लिया, अब मैं वापस अपनी पुरानी हालत में आ गई हूँ और आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। मेहमान भी थे, बच्चे भी थे, तो बहुत ज़्यादा मैं ब्लॉग रिकॉर्ड नहीं कर सकी। फिर चाय वगैरह बनाने चले गए थे, उसके बाद फिर बस बातें करने बैठ गए और मैं भूल गई कि मैं ब्लॉग बना रही थी। तो बस आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आप लोग को ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, इंशाल्लाह ताला फ्राइडे को ब्लॉग बनाऊंगी, तो आप लोग को फ्राइडे को मिलती हूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। टाटा।